अपना अहंकार त्याग कर भक्ति की दृष्टि से देखेंगे महाराज वीरमणि, तो यही पाएंगे कि आपके प्रभु श्री राम ही के प्रभु शिव हैं और शिव ही राम हैं। हम दोनों का ही सम्मिलित रूप है हनुमान। आप कहो अपने किस रूप से युद्ध करूं मैं? मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं प्रभु शिव जी को प्रभु श्री राम से पृथक समझने की भूल कर बैठा। प्रभु मैं महामूर्ख हूं, मैं अपने आप को महान भक्त समझता था प्रभु, किंतु जो भक्त प्रभु श्री राम को आपसे महादेव से पृथक समझे वो भक्त नहीं है प्रभु, वो तो मूर्खता का प्रतीक है, प्रतीक है प्रभु। उठिए महाराज वीरमणि, समझिए इस रहस्य को। ये सब इसलिए हुआ है जिससे शैव और वैष्णव भक्त हमें पृथक ना समझे, आपस में विवाद ना करें। भक्ति में भेद का कोई स्थान नहीं, ये समझकर एकमत शांति से भक्ति करें। प्रभु मैं समझ गया। हनुमान के साथ मेरे युद्ध का कारण था समस्त संसार के समक्ष उनकी कर्तव्य निष्ठा को और उजागर करना। हनुमान ही है जो अपने कर्तव्य पालन के लिए स्वयं रुद्र का भी सामना कर सकते हैं। और ये भी प्रभु कि समस्त संसार को ये भी ज्ञात हो जाए कि मेरी शक्ति का स्रोत आपकी और प्रभु श्री राम की भक्ति ही है। हे प्रभु श्री राम, आप मुझे अपनी शरण में ले लें, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। आपके अधीन रहूंगा तो मैं धन्य हो जाऊंगा प्रभु। प्रभु श्री राम, हे प्रभु श्री राम, क्या आप मुझे अपने अधीन स्वीकार करेंगे प्रभु? उठिए राजन। प्रभु आपको मेरे अधीन रहकर नहीं, अपितु मेरे साथ मिलकर कार्य करना है महाराज वीरमणि। और आप जैसे महादेव भक्त का साथ पाकर तो मैं धन्य रहूंगा। प्रभु रघुवंशी प्रभु श्री राम की जय, देवों के देव महादेव की जय, संकट मोचन हनुमान की जय। ये हनुमान को अचानक क्या हो गया? क्या हुआ हनुमान जी,
आप विलाप क्यों कर रहे हैं? प्रभु श्री राम, प्रभु आपको स्वयं यहाँ आकर यज्ञ संपन्न होने के पूर्व वहां से नहीं उठने का वचन भंग करना पड़ा आपको, क्योंकि मैं यज्ञ के अश्व और सेना को सुरक्षित रखने का वचन नहीं निभा पाया। आपके कार्य में असफल हुआ हूं मैं। प्रभु आप इसका अत्यंत कठोर दंड दीजिए मुझे, मेरे प्राण हर लीजिए प्रभु, आप प्रभु मेरे प्राण हर लीजिए। हनुमान, ईश्वर है प्रभु श्री राम, अष्ट निधियों के स्वामी, कण कण में है जिनका वास, जो सर्वत्र व्याप्त है वो कहां नहीं है? अर्थात प्रभु, श्री राम तो अब भी यज्ञ स्थल पर स्थित हैं। जो यहां है वो छाया राम है। इसका अर्थ ये स्वयं मेरे प्रभु नहीं, अभी तो उनकी छाया है। हाँ हनुमान, ये तुम्हारे प्रभु की प्रति छाया है, अपने वचन के प्रति प्रतिबद्ध दृढ़ता से उसे निभाने वाले श्री राम को तो उनके इसी गुण के लिए संसार सदैव स्मरण करेगा। मैं तुम्हारे संकल्प को खंडित कैसे कर सकता था हनुमान? यदि मैं स्वयं यहां आ जाता तो तुम अपने कार्य में असफल हो जाते। प्रभु, अपने भक्त की पीड़ा को आप अपनी पीड़ा समझते हैं, इसीलिए कहीं आप मुझे मेरी पीड़ा से मुक्त कराने के लिए, भक्त को उसके अपराध बोध से मुक्त कराने के लिए असत्य तो नहीं कह रहे हैं ना मेरे प्रभु? अपने नेत्र बंद कर अपने अंतर चक्षुओं से स्वयं देख लो हनुमान। प्रणाम प्रभु। हनुमान जी, अब यही एक बड़ा राज्य शेष है, इसके पश्चात ये दिग्विजय यात्रा संपन्न हो जाएगी। सुमत जी, तब तो गति में वृद्धि कर हमें शीघ्रता से आगे बढ़ना चाहिए, जिससे शीघ्र अतिशीघ्र संपूर्ण विश्व में राम राज्य की स्थापना हो जाए। जय श्री राम, 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 जय श्री अश्व को बांधने का दुस्साहस किसने किया? ये कैसे संभव है? जो हनुमान स्वयं महादेव के वार सह गए, जिन्हें ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और स्वयं महादेव की त्रिशूल ना रोक सकी, वो एक साधारण डोर के बंधन में बंध कर रुक गए। ये कैसा बंधन है जिससे हनुमान जी भी मुक्त नहीं हो पा रहे? हमारे साथ समस्त सेना भी बंदी बनी हुई है, किसका कृत्य है ये? कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, ये भी ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि इस फांस का स्रोत कौन है। अब ये धूल की आंधी कैसे उत्पन्न हो रही है? ये आंधी नहीं है कुमार पुष्कल, ये धूल किसी राजा और उनकी सेना के आगमन के कारण उत्पन्न हुई है। प्रतीत होता है हमारी दिग्विजय यात्रा पूर्ण होने से पूर्व
अभी एक और युद्ध शेष है। ये कौन राजा जिसने अपने विशाल सेना के साथ प्रभु श्री राम की सेना का मार्ग अवरुद्ध किया? कौन है आप जिन्होंने प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोकने का दुस्साहस किया है? मैं हूँ महाराज सुरथ। मैंने ही बंदी बनाया है आप सभी को। ये कैसे संभव है? ये वृद्ध राजा जो चल भी इतनी कठिनाई के साथ रहे हैं, हमें बंदी बनाने में कैसे सक्षम हुए? वास्तव में इनकी सेना भी उतनी विशाल नहीं है जितनी प्रतीत हो रही थी। ऐसी वृद्धावस्था में आप ऐसा दुस्साहस क्यों कर रहे हैं महाराज? राम सेना को रोका है आपने, वो भी सेना की इतनी लघु टुकड़ी के साथ। वो राम सेना जिसे देवी की शक्ति रूपी वो पर्वतों का, प्रभु महादेव के त्रिशूल का, यहाँ तक कि स्वयं महादेव का सामना किया। इस जगत में सबसे शक्तिशाली योद्धा हनुमान जी के साथ अनेक शूरवीरों से परिपूर्ण अत्यंत प्रतापी सेना है ये। इस सेना से युद्ध करेंगे आप? तुम भूल रहे हो मालक, जिस महाप्रतापी सेना का बखान कर रहे हो तुम। इस समय महापराक्रमी महावीर हनुमान सहित तुम्हारी पूरी सेना मेरे बंधन में है। ये आपकी शक्ति नहीं हो सकती, अवश्य किसी माया का प्रयोग कर रहे हैं आप। ये माया नहीं है बालक, ये शक्ति ही है। वही शक्ति जो आपकी पहचान है महाबली हनुमान, प्रभु श्री राम की भक्ति की शक्ति। जय श्री राम। अर्थात एक राम भक्त होकर आपने दूसरे राम भक्त को राम नाम की शक्ति से ही बंदी बना लिया? ऐसा क्यों किया आपने? आप सभी राम सेवकों को मैंने जो कष्ट दिया है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, किंतु विवश हूँ मैं। महाराज कैसी विवशता, आप मुझे बताइए। संभव है प्रभु की दया से मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं? मेरा ये जीवन ही मेरी व्यवस्था है, जिसे सहस्त्रों वर्षों पूर्व से मैंने प्रभु श्री राम को समर्पित कर रखा है। तब से जब पृथ्वी पर प्रभु श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। अत्यंत कठिन है आपके इस कथन पर विश्वास करना। हाँ महाराज, एक साधारण मनुष्य इतना दीर्घायु कैसे हो सकता है? मैं बताता हूँ, अनेकों सदियों पूर्व जब मैं राजा बना था तो कर्म कांड यज्ञ आदि में व्यस्त रहने वाले दूसरे राजाओं के विपरीत मेरा पूरा जीवन काल प्रभु श्री राम की भक्ति और पूजा में लीन रहता था। कदाचित इसीलिए एक दिवस स्वयं यमराज मेरी परीक्षा लेने आ पहुंचे। जय श्री राम। राम श्री राम, राम श्री राम, राम राम राम, राम श्री राम, राम श्री राम, राम राम राम, राम श्री राम, राम श्री राम, राम श्री राम, राम श्री राम। राजन, आप अपनी राम भक्ति में अपने सभी कर्मकांड कैसे भूल सकते हैं? जो मनुष्य को अपने इंद्र पद और उससे भी ऊपर ब्रह्मा जी के स्थान तक पहुंचा सकते हैं, और आप कैसे राजा हैं जो मात्र राम भक्ति में डूबे हुए हैं? क्षमा करें मुनिवर, किंतु मुझे आपके मुनि होने पर संदेह है। कैसे मुनि हैं आप जो राम भक्ति के मर्म को नहीं जानते, ये भी नहीं जानते कि छिन जाता है इंद्र पद, कल्पांत में ब्रह्मा जी भी दूसरे हो जाते हैं, किंतु जिसके साथ राम भक्ति है उसका कभी पद नहीं छिनता। राम भक्त सदैव प्रभु चरणों में सदगति प्राप्त करता है, इसलिए मेरे लिए राम भक्ति सर्वोच्च थी, है और सदैव रहेगी।
नाम यमराज जी? राजा सुरथ, हम आपकी राम भक्ति देखकर प्रसन्न हुए। हम आपको आशीर्वाद स्वरूप वरदान देना चाहते हैं। कहिए, क्या वरदान चाहिए आपको? मुझे तो मात्र एक ही वरदान चाहिए कि अपनी मृत्यु से पूर्व अपने प्रभु के राम अवतार श्री राम का दर्शन कर सकूं और वो स्वयं मेरे राज्य में पधारकर मेरे राज्य को कृतार्थ कर सकें। तथास्तु। तब से आज तक सहस्त्रों वर्षों से प्रभु श्री राम के दर्शन की लालसा में मैं अपनी इस देह के बोझ को ढो रहा हूं। प्रतिदिन इसी आशा के साथ दिवस प्रारंभ करता हूं कि आज प्रभु के दर्शन पाकर मृत्यु को प्राप्त करूंगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। जय श्री राम। कई वर्ष बीत गए। कदाचित मेरी भक्ति में ही कोई कमी रह गई है, किंतु हमें बंदी बनाकर राम काज में बाधा डालना ये तो अनुचित है महाराज। अनुचित है तो भी अब मैं कुछ करने में असमर्थ हूँ। अब ये राम नाम का बंधन तो प्रभु श्री राम के स्पर्श से ही खुलेगा। प्रभु श्री राम को यहाँ आना ही होगा और राम भक्त हनुमान आप बुलाएंगे उन्हें यहाँ। प्रतीक्षा करते करते क्लांत हो गया हूँ मैं। वृद्ध देह को ढोने का कष्ट आप नहीं समझेंगे महाबली हनुमान, असहनीय हो गया है अब ये कष्ट। शीघ्र इससे मुक्त होना चाहता हूँ। हे महानतम राम भक्त हनुमान, इस तुच्छ राम भक्त की सहायता कीजिए। आप ही मेरे वरदान को मेरा अभिशाप बनने से रोक सकते हैं। जो यहाँ है वो छाया राम है। हाँ हनुमान, ये तुम्हारे प्रभु की प्रति छाया है। मैं आपकी पीड़ा समझता हूं। मैं आपकी सहायता करने का प्रयास अवश्य करूंगा। हे प्रभु, भक्तों के दुख और पीड़ा को समझने वाले, हे अष्ट सिद्धियों के स्वामी और नव निधियों के ज्ञाता, यदि पूर्व के समान बिना यज्ञ में विघ्न डाले यदि संभव है तो अपने इस भक्त को अपने दर्शन सुख प्रदान करें प्रभु। मैं तो आपके दर्शन के पश्चात मृत्यु की कामना करता था प्रभु, ये युवावस्था कैसे प्राप्त हो गई? प्रभु के दर्शन पाकर तो मूर्छित में भी प्राण आ जाते हैं राजन, फिर आपके प्राणों को कोई क्षति कैसे पहुंच सकती थी भला? आप जैसे भक्त के बिना राम राज्य कैसे संभव है राजन? राम राज्य के प्रचार के लिए अभी आपको और जीवित रहना है। आपकी कृपा पाकर मैं धन हुआ कृपा निधान। आपकी अधीनता सदैव के लिए स्वीकार है मुझे। भगवान और भक्त एक दूसरे के पूरक होते हैं। यदि भक्त में श्रद्धा, विश्वास और आस्था हो तो भगवान भी उस भक्त का ध्यान अवश्य ही रखते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।